दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ सुजीत प्रयागराज से। माई डियर फ्रेंड्स, मैं आज एक ऐसी ज़बरदस्त खास जो जो वीडियो के इंतज़ार पिछले 13 महीने से लोग कर रहे थे, आज वो वीडियो मैं इस वीडियो के माध्यम से आज उन सभी क्वेश्चन का आंसर CMD राहुल भारद्वाज जी के सर के मुख से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अब तक की जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है उस वीडियो से सबसे ज़बरदस्त वीडियो साबित होने जा रही है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि न्यू अपडेट ADS एक्सचेंज की मैं समय समय पर आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, आज CMD सर ने हमें वो सौगातें दी हैं अपने श्री कमल अपने मुख से अमृत वर्षा करके, उन्होंने वो चीज़ें हम लोग को बताई हैं कि आज आप उन चीज़ों के बारे में सुनेंगे तो रात को आपको नींद नहीं आएगी। आज मैं रात लगभग इस समय 11:30 बज चुका हुआ है, मैं 11:30 बजे रात आपको ये वीडियो शूट करके दे रहा हूँ। आज दिन है 10 जनवरी 2023। आज 8:30 बजे के ऑफिशियल जो हमारी डेली की मीटिंग होती है सैटरडे संडे को छोड़ के, उस मीटिंग में माननीय श्री राहुल भारद्वाज जी ने आके अपने मुख से जो बातें अभी तक हम लोग 13 महीने से इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी बातों को आज उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से हम सभी ADS एक्सचेंज फैमिली को एक बहुत बड़ा सौगात के रूप में दिया है, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही खास और एक अमूल्य भेंट आप तक पहुंचती रहे और ADS एक्सचेंज की सारी सच्चाई कि ADS भविष्य में क्या करने वाला है और लोगों तक क्या पहुंचाने वाला है, कितनी बड़ी, 1,000,000,000 तो छोड़ दो दोस्तों, करोड़ों की बात करो जो कि ADS हमें देने वाला है। इस वीडियो को देख लोगे तो आज रात को आपको नींद नहीं आने वाली और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ कि आज CMD सर ने हम लोगों को क्या क्या सौगातें दी हैं। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं। पर मुझे बोलने का मौका दिया और बड़ी खुशी है कि आज पहली मीटिंग में राहुल सर, लोगों की बहुत हैवी डिमांड थी सर, बिल्कुल, इसलिए रियली हम आपको ये कर रहे थे कि आप लोगों के सामने आके आपने बहुत से सवालों का जवाब दिया, लोगों का जो लोगों को मन सवाल थे। अब लोगों का एक दो सवाल देखो, प्रेयर तो हम प्रेज कितनी भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिस्टम बहुत ग्रेट बनाया सर, इसमें कोई शक नहीं है और 1.25 साल से लोग यहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, बिल्कुल हम ज्वलंत उसके उदाहरण हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आज सिस्टम के अंदर जो नए लोग आए हैं, सिर्फ 2-4 क्वेश्चन सुन के जो नॉर्मली हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन से आज कुछ लोगों के लेवल इनकम में एक त्रुटि रही है सर, शायद आप इस चीज़ को समझे होंगे, किसी को जहां 48 आना चाहिए उसको 42 आया है, कुछ काफ़ी आईडियो में ऐसा इश्यूज रहा है, तो मैंने भी उसको चेक किया खुद आईडी लॉग इन करके, तो थोड़ा सा इशू रहा है सर उसमें। और लोगों के दिमाग में सर एक बात आ रही है राहुल सर, आप सबके सामने ये चीज़ क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो क्लियर करता करता थक चुका हूँ, लोगों के दिमाग में ये है सर, क्या ऐड से पैसा आ रहा है? बिल्कुल आ रहे भाई जी, ऐड से बिना पैसा आए हुए आप इतने दिनों तक सिस्टम चला नहीं सकते थे, कोई भी कैलकुलेशन बता दो मुझे कि इतने दिनों तक सिस्टम बना सकते थे आप, चला सकते हो? बिल्कुल, 14 साल मुझे भी नेटवर्किंग करते हो गए सर, मैंने लोगों को यही जवाब दिया है कि दोस्तों 1,000 रुपए का रोटेशन 1.5 महीने भी नहीं चल सकता, 45 दिन भी कोई नहीं कर सकता जहां तक मेरा कैलकुलेशन है, फिर भी आज 1.25 साल हो चुके हैं और इस सिस्टम में 6 महीने से यहाँ पर अच्छी खासी आपको पता होती है डेली की ज्वाइनिंग कितनी होती है, डेली की पेआउट कितनी, उसके हिसाब से कैलकुलेशन लगा लेना है, लोगों का पता है, लेकिन जो हम आपके मुंह से जो लोगों को संतुष्टि मिलती है ना, वो हमारे मुंह से उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। यहाँ आज लगभग 15 लीटर, कोई भी इंसान अगर अपने आपको इतना बड़ा लीडर समझता है तो उनको इतना पता होगा कि अगर बिना जनरेशन
अगर ये पॉसिबल होती सिस्टम को इतने दिनों तक लंबा चला पाना, तो ये पॉसिबिलिटीज ही नहीं होती और कि हम आपके सामने। नेक्स्ट सर, आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, सिस्टम को, एडवर्टाइजमेंट सिस्टम को हम कभी बंद नहीं करेंगे, आप कंफर्म कर रहे हैं? बिल्कुल कंफर्म कर रहा हूँ भाई जी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जनता का यह है जो मीटिंग में आ रहे हैं ना, ये मतलब ये नहीं कि लोगों के जो सवाल जो हम आरंभ करते हैं और अपनी बेसिक चीजों पे कैसे नहीं फोकस करेंगे। आज आप देखिए कि ऐड ऑन करते करते भी हम चीजों को बेसिक लेवल पे, जो बेसिक है हमारा, उसके ऊपर कभी भी उसके ऊपर कोई दुराय बढ़ती नहीं गई है। हमेशा से सबसे प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी वही होता है जो हमारा बेसिक है। बिल्कुल। क्या सर इस साल 2023 में हम अपने एडीएस क्वाइन की ट्रेडिंग कर पाएंगे? 2023 में आप एडीएस क्वाइन की ट्रेडिंग कर पाएंगे? सबसे पहले तो आपकी स्टेकिंग आपको कल परसों में ही आपको आपके पैनल पे दिखने लगेगी कि भैया आपकी स्टेकिंग कितनी थी और क्या है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके एक्सचेंज पे ट्रांसफर होते ही आप एक्सचेंज पे ट्रेडिंग भी स्टार्ट करेंगे और एक्सचेंज पे स्टेकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल सर। और जो एडीएस मार्ट है अभी हमारा जयपुर में, वो जो सुपर एडीएस मार्ट जिसको मैक्रो मार्केट बोला हमने, वो महीने में हमारा लॉन्च हो जाएगा? जनवरी महीने में फुल फ्लेज लॉन्च हो जाएगी। जून के अंदर हम फ्रेंचाइजी मॉडल लोगों को दे रहे हैं, फरवरी से, क्योंकि भारी डिमांड है इसके रिटेल आउटलेट की। आपको पता भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ ये मत सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू उसकी डिमांड है, बड़े लेवल पे डिमांड आ रही है। जहाँ पे हम जा रहे हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी कम्युनिटी है, वो कह रहे हैं कि आप तो मार्ट के साथ साथ कस्टमर्स भी दे रहे हो, तो क्या दिक्कत है फिर? बिल्कुल बिल्कुल सर, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी मैनेजमेंट में जो सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अभी आप हम उसके प्रॉपर काम कर रहे हैं भाई जी। जितने भी मैनेजमेंट पे जो जो चाहिए हमें, हम उस पर प्रॉपर काम कर रहे हैं। हम जब सिस्टम को चलाते हैं तो हमें ये पता होता है, लेकिन कुछ चीजें क्या होता है, कुछ चीजों में वक्त लगता है। हम उस पर प्रॉपर काम तरीके से ही काम कर रहे हैं, कि जहाँ पर हमने भी कुछ लीडर्स से हमने कोशिश किया कि मार्ट देखो, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सर मार्ट हमारे भी यूजर्स इसको मार्ट को लें और उन लोगों को भी अच्छी खासी अर्निंग हो, तो हम ये कोशिश है। तो उन लोगों के कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आए, सर अगर हम कल को मार्ट ले रहे 20-30 लाख रुपए का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो ना हो कि कॉइन्स में कुछ कॉइन का अप डाउन हुआ था, कुछ फंड में अप डाउन हो गया, कहीं सामान में बोले कि दो ट्रक रास्ते से गायब हो गए, ये हो गया, जीएसटी नंबर नहीं दिया। अगर ट्रक रास्ते से गायब हो जाते, जब तक आपके पास रिसीव नहीं होती, तब तक वो माल, वो रिस्पांसिबिलिटी कंपनी को होती ना कि आपकी होती है। बिल्कुल, मैंने यही बोला था, आपके स्टोर पे जब सामान आएगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और कंपनी उसमें लगभग 50% खुद की भागीदारी देने वाली है। ये चीज मैंने अभी तक ओपन नहीं, लेकिन आज मीटिंग के माध्यम से बता रहा हूँ दोस्तों, जो मार्ट के अंदर जो इन्वेस्टर्स हमारे साथ में आएगा, कंपनी उसको उसका आपके दरवाजे तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, उसके बाद ही आपका आपके स्टोर को भी आप नहीं बनाएंगे, स्टोर को भी हम ही डेवलप करेंगे। बहुत फुल फ्रेंचाइजी मॉडल पे आपको तो बस स्पेस देना है। जी जी सर। उसके बाद हम लोग किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, कहाँ पे ग्रोसरीज लगेंगी, कहाँ पे फैशन के प्रोडक्ट्स लगेंगे, कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट लगेंगे, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी सेटअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। वहाँ पे हमारा बंदा, वहाँ पे हमारे इंजीनियर जाकर पूरी डेवलपमेंट कराएंगे, स्टॉक आपके पास जाके आपके स्टॉक डुबाएंगे, आपके बिलिंग के सॉफ्टवेयर तक अपडेट करेंगे, बिलिंग कराएंगे, बार कोड की अपडेशन करवाएंगे, फिर स्टार्ट होगा काम। और सर बोधनम पे अपना क्या चल रहा है, बोधनम पे लोगों को? आप ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट कम से कम 20 से 25 कोर्सेज फुल फ्लेज लॉन्च हो चुकी है बोधनम के अंदर। यस हाँ, बिल्कुल देखा है मैंने, लेकिन कुछ लोगों का उसमें बोधनम पे इशू आ रहा है कि वो बाइंग कर रहे हैं, तो कुछ इशू है शायद, उसमें बोधनम पे काम की जरूरत है। आशीष सर, नहीं, बोधनम पे अगर पेमेंट गेटवे का कुछ इशू हो सकता है तो पीजी की तरफ से होगी, तो मैं पीजी वालों से बात कर लूंगा उसके बारे में। और जो सर जो बंडल पे हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, बंडल पे अपना है किसी दूसरे की सर्विस को हम प्रमोट कर रहे हैं? बंडल पे हमारी अपनी खुद की सर्विसेज है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज है। आपको पता है कि जेबी लिखा हुआ था, मतलब जॉइंट वेंचर्स है। यस बिल्कुल, मैंने वही लोगों को रहा है, लेकिन लोगों के सवाल आते हैं जो मैं लोगों को दिन भर जवाब देता हूँ ताकि वो आपसे कन्फर्म करें। आपको दिखिए जॉइंट वेंचर्स है वो। बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम जॉइंट वेंचर के साथ है, बंडल पे, बंडल प्लस आज जॉइंट वेंचर के थ्रू है। और जो मैक्रो मार्केट, हमारी जो मैक्रो मार्केट हमारा आएगा वो टोटली एडीएस, पूरी एडीएस की होगी, उसे एडीएस का कॉपीराइट होगा, नो एनी इन्वेस्टमेंट अदर, हां ओनली और ओनली अपना एडीएस जो अपने मैनेजमेंट का ही सब कुछ उसके अंदर है। और बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर, लोगों का जो एक थोड़ा सा है ये लेवल वाला है, कल से अगर इसमें थोड़ा ठीक हो जाए और
ये समथिंग में मैं उसको चेकअप करूंगा। उसमें दो चीजें हो सकती है, 48 रुपए गई होगी तो उनको देखना एक बार जरा कि जो टैग करने वाले लोग जिन लोग इनएक्टिव हो गए होंगे उनकी बैलेंस उनको आगे नहीं फॉरवर्ड हो रही। नहीं सर, उनको क्या है 42 आया है, 48 रुपए की जगह 42 आई है ना, तो उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे उनके लेवल में जिन्होंने जिनकी 1 महीने हो गए होंगे, उनके दो टैग नहीं रहे होंगे, तो आपको पता है कि उनके ऊपर वाले अपलाइन को उससे इनकम नहीं बनती है। उसकी ज्वाइनिंग मैं बताऊँ, उसकी ज्वाइनिंग है 30 नवंबर की और उसने 3 जनवरी को अपने नीचे 2 कर लिया था, ठीक है। हाँ, तो उसको 42 रुपये पे, तो मैं भी थोड़ा सा वो चक्कर है, चलो हो सकता है सिस्टम में भी एरर नहीं हो सकता है। 3 दिसंबर को क्या होगा, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर तक की आईडी इनएक्टिव हुई है। 3 जनवरी, 3 जनवरी सर, 3 जनवरी अभी किया है। हाँ, 3 जनवरी तो आप एक बार देख लेना, एडवर्टाइजेशन एडवर्टाइजमेंट नहीं देखे होंगे उसके लेवल में। नहीं हाँ थोड़ा सा, नहीं नहीं वो है फिर भी सर ना भी देखे तो 42 तो मैटर ही नहीं बनता ना, या तो 40 आए या 44 आए, 42 का मैटर नहीं। 44 भाई आपके डायरेक्ट में है, नहीं उनके डायरेक्ट में करते हैं, उसके सेकंड लेवल वाले लोग बन गए देखे होंगे, क्योंकि सेकंड लेवल के कोई नहीं थे क्या उस, नहीं फर्स्ट ही लेवल, उसका लेवल ही खुला नहीं आ गया, तो फर्स्ट ही लेवल उसके डायरेक्ट में कोई है नहीं आगे। आप उसकी आईडी भेज देना ताकि अपन टेक्निकली उसको रिजॉल्व करा सके, चेक करा सके। आप बिल्कुल, मतलब कुछ लोगों का है लेवल का, उसको थोड़ा सा आज की क्लोजिंग में सॉर्ट आउट हो जाएगा वो मैं। और बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया, काफी लोगों के क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू अमन सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट लीडर को प्लीज मौका दे दें। थैंक यू दोस्तों जो आपने कम्प्लीट। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और माननीय श्री राहुल भारद्वाज जी के ज़रिए जो बातें आज बताई गई हैं वो आपके जीवन में एक बहुत ही एक रामबाण की तरह आप सभी को जो है मिलने वाला है, कि जो आप जिधर भी इस वीडियो को मूव करा देंगे, लोगों तक पहुंचा देंगे, लोगों को जहां भी आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उनकी बोलती अब बंद होने वाली है कि फ्यूचर प्लानिंग हमारी ADS की क्या है और क्या क्या करने वाला है। और जितने भी लोगों का अभी तक जो क्वेश्चन बन रहा था, जो 13 महीने से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, आज CMD सर ने जो हमें सौगात दी है उससे सबकी बोलती बंद हो जाएगी और वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की के लिए आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड लव यू ऑल।